गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। सो टुडे वी डू द नेक्स्ट सम इन आवर पीएनबी। सो द सम इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टीज। सो हियर यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंटीजर्स बट यूजिंग द प्रॉपर्टीज। सो व्हाट हैपन बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज एंड द प्रोडक्ट ऑफ आवर इंटीजर्स बिकम ईजी। सो यू हैव टू डू प्रोडक्ट बाई यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट इज ए पार्ट 26 मल्टीप्लाई माइनस 48 प्लस माइनस 48 मल्टीप्लाई माइनस 36। सो हेयर मल्टीप्लाई साइन प्लस साइन एंड मल्टीप्लाई साइन आर देयर एंड हेयर आर टू टर्म्स कॉमन। माइनस 48 इज ऑल्सो हेयर एंड इज ऑल्सो हेयर। सो वी टेक दिस माइनस 48 कॉमन। सो वी टेक माइनस 48 कॉमन एंड हेयर लेफ्ट 26 मल्टीप्लाई माइनस 26 मल्टीप्लाई दिस इज आउट। सो इट देयर लेफ्ट ओनली 26 प्लस इट कम्स आउट। सो हेयर लेफ्ट माइनस 36। सो माइनस 48 26 प्लस माइनस 36 मीन्स प्लस माइनस मीन्स माइनस 36। सो माइनस 48 26 माइनस 36 मीन्स माइनस 10। सो माइनस 48 मल्टीप्लाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 480 माइनस माइनस प्लस। सो दिस इज द वे इफ वी हैव टू टर्म्स कॉमन। सो वी टेक वन कॉमन टर्म आउट एंड डू द प्रोडक्ट डन। बी पार्ट इफ देर इज इन दिस स्टेटमेंट नथिंग इज कॉमन हेयर। सो वी हैव टू फाइंड आउट हुज मल्टीप्लीकेशन इज ईजियर। हुज टू मल्टीप्लीकेशन इज ईजियर। सो वी डू डैट फर्स्ट ईजियर मल्टीप्लीकेशन। फर्स्टली वी डू डैट ईजियर मल्टीप्लीकेशन इन विच देर इज जीरो कम्स इन द लास्ट एंड देन वी डू मल्टीप्लीकेशन विद द अदर नंबर। सो हेयर दीज आर थ्री टर्म्स एंड वेन वी मल्टीप्लाई दिस 8 विद 125 मीन्स 8 मल्टीप्लाई विद 5 देयर हेयर कम्स 40 इन द लास्ट। सो वी मल्टीप्लाई दिस एंड दिस बिकम्स माइनस 1000। सो वी कैन ईजिली मल्टीप्लाई दिस 2। सो द आंसर इज दिस। नेक्स्ट ऑल्सो वी हैव टू टेक द ईजी मल्टीप्लीकेशन। फर्स्टली सो वेन वी मल्टीप्लाई दीज टू इट बिकम्स ईजी माइनस 60 एंड वी मल्टीप्लाई दीज दिस बिकम्स। सो द आंसर इज दिस। मीन्स यू हैव टू टेक योर एक्शन एज योर विश। वट मैथड यू हैव वॉन्ट टू अप्लाई हेयर टू मेक अवर मल्टीप्लीकेशन ईजी। नेक्स्ट सम इज सिक्स सम। द स्टेटमेंट इज नेक्स्ट सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ सम आर स्टेटमेंट सम। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट एंड देन ट्राई टू सॉल्व द सम्स। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स डैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. Means there is a freezing process in which whose temperature is 40 degree Celsius and the temperature at room temperature, the temperature is lowered at the rate of temperature is decreased. Means lowered means decrease at the rate of 5 degree Celsius every hour. Temperature decrease at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? Means after this process becomes temperature lower, then what is the temperature after 10 hours? So the solution is given here. Present room temperature 40 degree Celsius and decreasing the temperature every hour 5 degree Celsius. So room temperature after 10 hours. So firstly 40 degree Celsius plus decreasing 10 hours, then we multiply this with 10 and how much decreasing 5. So here comes minus 5. So decreasing temperature is 10 multiply minus 5 because 10 hours are there and decreasing is minus 5. So 40 minus 50 is equals to minus 10 because we have this is the present temperature and this temperature is after 10 hours. So the at the end the temperature is minus 10 degree Celsius. Thus room temperature after 10 hours is minus 10 degree Celsius. Okay, thanks and have a good day. You have to firstly understand the statement and then do the questions. If you have any problem then ask me. Thanks and have a good day.